लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में चंद घंटे बचे हैं। सियासत के इस खेल में किसकी हुकूमत चलेगी, लोकसभा में बहुमत से किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला वोटर्स कर चुके हैं और ये राज ईवीएम में बंद है। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने अब की बार 400 पार का दावा किया। 543 लोकसभा सीटों में से क्या एनडीए 400 पार का आंकड़ा छू पाएगी या इंडिया अलायंस इस सपने को चूर चूर करेगी? ऐसे तमाम सवालों के बीच अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास जी ने भविष्यवाणी की है। देश में किसकी सरकार बनेगी, क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, इस पर पुजारी ने क्या कहा, सुनिए। मैं भविष्यवाणी किया हूँ कि तीसरे बार भी ये प्रधानमंत्री के रूप में बने, इसलिए यह जो चुनाव हो रहा है यह चुनाव के संबंध में 4 तारीख को निर्णय हो जाएगा और 4 तारीख को ही निश्चित हो जाएगा कि पुनः तीसरी बार भी प्रधानमंत्री के रूप में यह बन गए हैं। 22 जनवरी 2024 का दिन देश के लिए बेहद खास रहा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसके बाद से देश में राम भक्तों की लहर देखने को मिली। इस बीच भविष्यवाणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने की बात कही गई। आचार्य सतेंद्र दास ने बीजेपी की जीत और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बीच कनेक्शन भी बताया। आचार्य सतेंद्र दास ने बीजेपी की जीत और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को कनेक्शन भी बताया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद स्वयं मोदी जी आए, उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुई है और रामलला का आशीर्वाद है, रामलला की कृपा है उनके ऊपर, इसलिए इस वर्ष भी उनको चुनाव में विजयी मिलेंगे और तीसरी बार भी उनको प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे और वो अपनी सत्ता पूरा करेंगे। इस प्रकार जो भी है हमारा आशीर्वाद है, हमारी भविष्यवाणी है और संतों ने भी उनके लिए भविष्यवाणी किया है कि हाँ यही प्रधानमंत्री बनेंगे। बता दें 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक आम चुनावों के लिए मतदान हुए थे। देश भर में मतदाताओं का जज्बा देखने को मिला। ये चुनाव 7 चरणों में पूरे हुए, जिसके बाद नतीजे कल यानी 4 जून 2024 को जारी किए जाएंगे। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास जी की भविष्यवाणी क्या सच साबित होगी, इसका पता चलेगा कल जब चुनावी नतीजों का इंतजार खत्म होगा।